इसका मतलब जानते हो क्या? सलीम मतलब सलीम मतलब ए जो पिक्चर है कश्मीर फाइल ये देखने आए ने और कश्मीर का सच है ये आज जेड़े लोग कश्मीर बारे परमा रहे ने या केवल राजनीतिक रोटियां सेकन का प्रयास कर रहे ने उन्हां लई ये आज एक अखा खोलने वाला प्रयास है। दरवेश के नाम से जानते हैं हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स का इस्तेमाल किया और अराकी ने कहरान और जबरान का लाइव भारत देख रहे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अज अही खास तौर पर धन्ना मिलाव चाहेंगे सुरेश महाजन जिन्होंने स्पैशल तौर पर यह फिल्म दिखाई गई। तो फिल्म जिस तरह की मेरा मानना है यह फिल्म बहुत ही जरूरी सी अपने आवाम के लिए अज की आवाम के लिए जिस तरह की पहले समय तो हुए अत्याचार कश्मीरी ब्राह्मण के उत्ते जो कि भाजपा के आने के बाद 370 धारा भी हटाई गई उस तो बाद कितना कि बहुत वड्डा मरहम इतिहास के देश के इतिहास से पहली बार एड्डा वड्डा मरहम कश्मीरी पंडितों के उत्ते लगाया गया भाजपा वालों 370 हटा के उस तो बाद जब फिल्म आई फिल्म भी दिखाई गई सुरेश महाजन वालों तो इस फिल्म की खूबियाँ किड़िया खूबियाँ कारण अज भाजपा ये आम जनता को दिखानी पै रही है। पहला तो मैं बहुत धन्यवादी हाँ इस देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह जी का और इस फिल्म कश्मीर फाइल नू बनाने वाले विवेक अग्निहोत्री जी का कि जिन्होंने देश के सामने कश्मीर की सच्चाई लेके आए ने और इस देश के अंदर किस तरह साढ़े समाज से खासकर हिंदू समाज से खासकर कश्मीरी पंडितों के जिस तरह के जुलम होए और उन्होंने अपना घर बार और सारा इज्जत छड़ के इस देश तो कश्मीर तो निकाल दिता गया अज वो सच्चाई सामने आई है। मैं धन्यवादी भी हाँ और अपील भी करांगा इस देश की सारी जनता नू कि इस देश के लोगों नाल होए जुल्मां दी कहानी नू सच्चाई देखने वास्ते वो सिनेमा थिएटर दे विच जाके इस फिल्म नू देखन तां कि लोगों नू इस देश की सच्चाई पता लगे और आने वाले देश के उत्ते खतरियां तो असीं सावधान हो सकीए। और मैं जिस तरह बाकी बहुत सारिया सरकारां ने इस फिल्म नू टैक्स फ्री किया मैं पंजाब गौरमेंट नू अपील करांगा कि इस फिल्म नू टैक्स फ्री करन तां कि ज़्यादा तो ज़्यादा लोग जड़े इस फिल्म नू देख सकन देश दी होई जो हिंदू समाज के जुलम है उसकी सच्चाई जान सकन। धन्यवाद। दूसरी चीज़ सर एक होर जिस तरह की धारा 370 हटने के बाद बहुत वड्डा मरहम भाजपा वालों लगाया गया कश्मीरी पंडित उत्ते तो काफ़ी हिंदुस्तान की आवाम इस दे समर्थन हैगी पर हजे भी उत्थे कुछ इस तरह के माहौल हजे तक इस इन्ने सकारात्मक नहीं हुए कि इतों लोग मूव ऑन कर सकन उत्थे कुछ सिक्योरिटी का रीज़न आता हाल ही पिछले एक मामला आया सी एक बाहरले बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी सी तो उन्हें घर के अंदर वड़ के गोली मार दी गई सी कश्मीर के गुलमर्ग के इंसीडेंट आया ही तो हाई तक सिक्योरिटी जी है पुरजोर होने कितना टाइम लगेगा या लोगों को एक टैरर तो फ्री साह लैनते कितना टाइम लगेगा? देश दियां कमजोर सरकारां ने जिस तरह कश्मीर के हिंदू कश्मीर के अंदरों हिंदू वहीन करके उत्थे मुसलमानों का राज स्थापित किया और एक लंबा समय जड़ा उन्होंने उत्थे हिंदू समाज की प्रॉपर्टियां लुट के जड़ी उत्थे ऐश की है तो जिस तरह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 370 दफा तोड़ के कश्मीर नू भारत का अखंड भारत का अभिन्न अंग जड़ा स्वीकार किया है और बहुत जल्द जिस तरह सरकार प्रयास कर रही है कि जड़े कश्मीरी उतों के मूल निवासी है उन्होंने उत्थे वापस लैके जाया जाए और उत्थे वसाया जाए सरकार का प्रयास चल रहा है। टाइम लगेगा लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का एक हिस्सा है था और रहेगा मैं समझना कि यह प्रयास जारी रहेगा। धन्यवाद। भाजपा का ही प्रयास मनिया जाए कि लाल चौक से तिरंगा भी हूँ चढ़ता जे तो उत्थे राष्ट्रगान भी गाया जाता है इस तो पहला किसी को वंदे मातरम कहने की भी इजाजत नहीं होती सी तो उसके बारे तुहाडा की बयान? इस देश को एहसानमंद होना चाहिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का उन्होंने कश्मीर के अंदर खास करके लाल चौक के अंदर अज जड़ा हर हिंदुस्तानी जड़ा टेंशन मुक्त हो के जा सकता है भारत का तिरंगा उत्थे फहरा रहा है और भारत जड़ा वो कश्मीर के अंदर जा रहा है मैं समझना कि बहुत जल्द कश्मीर जड़ा वो खुशहाल होएगा और देश बाकी देश नालों मिलके चलेगा। धन्यवाद। तो बहुत जल्द कश्मीर
खुशहाल होएगा, ये मनना गलत नहीं होएगा। किसी भी पार्टी का समर्थन ना करते हुए मैं नरेंद्र मोदी का इतने समर्थन जरूर करूँगा, क्योंकि धारा 370 हटाना एक देश के उत्ते बहुत वड्डा दाग लग्या सी जिहड़ा धारा 370 हटे। धारा 370 हटन दे नाल कश्मीरी पंडितां दे चेहरे ते बहुत वड्डी मुस्कान भी आई है, पर हजे भी उत्थे उन्हां दा वसना कितने कितने अड़चन पैदा कर रही है। उत्थे दा टैरर इन्ना है कि लोग उत्थे प्रॉपर्टी लैण तों हजे भी गुजेर कर रहे हैं। इस दे उत्ते भी प्रयास करना चाहिए, सरकार नूं उत्थे सिक्योरिटी देनी चाहिए है ताकि लोग उत्थे प्रॉपर्टी लैण, उत्थे ज़्यादा तों ज़्यादा जिस तरह कि उत्थों तों उजड़ के आए लोग उत्थे जाके वसणगे ते फिर ही खुशहाल असल ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਭਿਨੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ, ਇਸ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਣੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਲਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਸਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੀਤੇ ਪਲਾਂ ਦੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਦਰਦ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਅੱਜ ਫਿਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਵਿਦਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨੋਜ ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀ, ਔਰ 1990 ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਰਹੀ ਉਹਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਬਣੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ, ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੇਖਣ, ਔਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰਜੇਸ਼ ਕੰਧਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਸਾਰੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਨੇਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 370 ਦਵਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਿਤ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜ ਵਸੇਵੇਂ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਆਕਸ਼ ਸੁਰੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਚਿਵ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਾਨੀ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਔਰ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਜੋ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਹ ਜੋ ਪਿਕਚਰ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਇਹ ਦੇਖਣ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰਤਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਹੀ ਮੈਨੇਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜੋ ਵਿਘਟਨਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਤੱਕਤਾਵਾਦੀ, ਜੋ ਆਤੰਕਵਾਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370
और 35 जो इस सारी फिल्म दिखाया गया कि कितना बड़ा अत्याचार कश्मीरी पंडिता से होया और भारतीय जिहड़े जिहड़े भारतीय राष्ट्रीयता के नारे लाते थी राष्ट्रभक्त सी उन्होंने उत्ते जो ये हमला होया और किस तरह कश्मीर की पृष्ठभूमि थी कि ऋषि कश्यप द्वारा वसाया गया कश्मीर और शंकराचार्य जी इतने विशेष रूप में पधारे कश्मीर दे विच तपस्या करन लई सो इहदी पृष्ठभूमि कि किदा कन्वर्शन होई धर्मांतरण होया वो मुगल जिहड़े कि इत्थे आए और उन्होंने आके धार्मिक परिवर्तन किया तो अज कश्मीर दे विच जो साडे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने धारावां घटा के कश्मीर नूं फिर मुख्य धारा नाल जोड़िया हुण कश्मीर विच डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नूं असीं श्रद्धांजलि दिंदे आ जिन्होंने कहा कि ना अलग विधान मांगेंगे मानेंगे ना अलग संविधान मानेंगे ना कश्मीर में अलग प्रधान मानेंगे तो मैं समझना वा कि हर भारतीय नूं ये फिल्म जो है देखनी चाहिए है और सुरेश जी नूं अपने अध्यक्ष जिहड़े ने उन्होंने बधाई देंगा कि अज उन्होंने सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नूं ये फिल्म दिखाई है अमृतसर दे।